हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेडिसिन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरीनॉर्म मेडिसिन के बारे में, यानी पेरीनॉर्म मेडिसिन क्या होती है, ये किस तरह का मेडिकेशन होता है। तो गाइस, पेरीनॉर्म की अगर हम बात करें तो ये बच्चों के लिए दी जाने वाला एक सिरप होता है जो कि मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड से बना हुआ होता है। गाइज, ये RX मेडिसिन होती है, यानी प्रेस्क्रिप्शन वाला होता है, 60 ml के पैक में आता है और इप्का कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, इस मेडिसिन के अगर हम यूजेस की बात कर लें, इसके बेनिफिट्स की बात कर लें, तो गाइज, अगर बच्चों को हार्डवर्न हो रहा है, सीने पर जलन हो रही है गैस की वजह से, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, नोजिया हो रहा है बच्चों को, वॉमिटिंग जैसी हो रही है, या फिर इनडाइजेशन हो रहा है, तो गाइज ऐसी समस्याओं को ये ठीक करता है। जब बच्चों को पेट में बहुत ज़्यादा जो है गैस बनने लगती है, स्टमक में गैस जो है बनने लगती है, बहुत ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को हार्डवर्न हो जाता है, वॉमिटिंग लग जाती है, नोजिया हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, तो इन सबको ठीक करता है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें अगर कि किसी को फूड पाइप, यानी जिस नली से हम खाना खाते हैं, इस फूड पाइप में जलन महसूस होती है गैस की वजह से, तो पेट में जो बनने वाली गैस होती है और इसकी वजह से फूड पाइप में जलन होती है हर नाल में, तो इसको भी ठीक करता है, इसमें आराम करता है। इसके अलावा जब किसी को कीमोथेरेपी जैसा ट्रीटमेंट चलता है तो इसमें भी दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को उल्टी ना हो, या किसी को ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के बाद पेशेंट को उल्टी ना आए, तो ऐसी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए पेरीनॉर्म सिरप काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, ये प्रोकाइनेटिक मेडिसिन होती है जो कि वॉमिटिंग वाले जो सिग्नल्स होते हैं उनको ब्रेन में जाने से रोकती है, मतलब कि ब्रेन के अंदर वॉमिटिंग वाले सिग्नल्स को जाने से रोकती है, जिससे क्या है, पेशेंट को उल्टी मितली की जो फीलिंग है वो नहीं आती है या फिर बंद हो जाती है। दोस्तों, ये स्टमक और इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे जो है खाना ईजली डाइजेस्ट होता है और पेशेंट को उल्टी मितली जैसी समस्या से आराम मिलता है। दोस्तों, ये स्टमक में फूड को मूव करता है और खाने को आगे की तरफ धकेलता है, जिससे पेशेंट को हार्डवर्न जैसी समस्या या फूड पाइप में जो जलन होती है ऐसी समस्याओं से आराम मिलता है। तो गाइज, ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है, स्पेशली वॉमिटिंग और नोजिया के लिए। दोस्तों, बात करें इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट की, कि अगर कोई लेता है बच्चा तो उनको क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो गाइज, आपको ध्यान रखना है, इस मेडिसिन को लेने के बाद फटीग जैसा लगेगा, सुस्ती रहेगी, आलसीपन रहेगा, वीकनेस लग सकती है बच्चे को, कमजोरी आ सकती है लेने वाले को, रेस्टलेसनेस हो सकता है, और इसके अलावा हेडेक वगैरह लग सकता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ करें, सभी बातों का ध्यान रखें, और इस मेडिसिन के जब भी आप ख़रीद के लाएं तो इसका एक्सपायरी डेट और इसका MRP, ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करें, जिससे आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके MRP की, तो ये आपको 26 रुपये में मिल जाती है, तो काफ़ी सस्ता और अच्छा ट्रीटमेंट रहता है नोजिया वॉमिटिंग के लिए। तो आई होप गाइस, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूनिक मेडिसिन चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और देखते रहें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक सेफ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।